हाय फ्रेंड्स, आज हमारा चैनल आपके लिए कुछ ब्यूटी टिप्स लेकर आया है जो हमारे फेस, स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये जो मिक्सचर आज हम बनाएंगे, ये हमारे जो एज स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, ब्लैमिशेस, एक्ने एंड पिंपल्स के जो दाग रह जाते हैं, ये उन्हें दूर करता है। पिगमेंटेशंस, झाइयों को दूर करेगा। गर्मियों में जो टैनिंग हो जाती है, ये उनको दूर करने में बहुत ही यूजफुल है। ये हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है और दूसरा, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, स्कैल्प्स को मजबूत करेगा, डैंड्रफ दूर करेगा और जो हमारे बालों में रफनेस आ गई है, ये उन्हें सॉफ्ट करता है। इसको आप डेली 2 महीने तक यूज करेंगे, फिर आप इसके रिजल्ट देखेंगे कि आपकी स्किन के जितने स्पॉट्स हैं और ब्लैमिशेस हैं, खत्म हो गए हैं। इस मास्क को बनाने में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जो है नंबर 1 है एलोवेरा जेल और दूसरा है लेमन। ये है लेमन। लेमन, जैसे आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रिंजेंट है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें फुल ऑफ विटामिन सी, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा, उन्हें फेड करता है और जो हमारी एक्नेज हैं उन्हें हील करने में भी बहुत हेल्प करेगा। और हमारे जो स्किन की ऊपरी लेयर होती है, जो हमारे फेस के स्किन की जो अपर लेयर है, ये इसको पील करने का भी काम करता है, जो फेड हो जाती है टाइम के साथ साथ। दूसरा इंग्रेडिएंट्स में लगेगा हमारा एलोवेरा जेल। ये हमने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है मार्केट से, ये देखिए। और अगर घर का होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं है तो आप ये सौंदर्य पतंजलि का एलोवेरा जेल लेंगे जो मार्केट में इजली अवेलेबल है। ये एलोवेरा प्लांट है जो हमने अपने घर पर लगाया है। आप मार्केट से एलोवेरा जेल लाते हैं, वो इतना फ्रेश नहीं होता। आप किसी भी नर्सरी से एलोवेरा प्लांट ला सकते हैं। इनको मेंटेन करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत इजली मेंटेन हो जाता है। फ्रेश एलोवेरा जेल की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत ही रिच होती हैं। जो एलोवेरा जेल है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हमारी स्किन जो डेड हो जाती हैं, उनके सेल्स को रीजनरेट करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। आपके जो रिंकल्स, ब्लैमिशेस और जो पिगमेंटेशंस है, झाइयाँ, ये उनको ख़त्म करता है। ये एंटी एक्ने है, पिंपल्स को ख़त्म करता है हमारा ये एलोवेरा जेल। ये मेरा घर का एलोवेरा जेल है। अगर आप घर में एलोवेरा जेल आप यूज़ करते हैं तो आप इसको पहले कट करेंगे और देन इसे वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा जेल यहाँ पे निकलता है, ये अच्छा नहीं होता है, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है, तो इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा लीव है, इसके आप साइड में ये कांटे होते हैं, इनको आप ऐसे कट कर देंगे, ऐसे आप कट कर देंगे। उसके बाद ये जो आपका बाहर का कवर है, उसको पील करेंगे, इसको पील कर देंगे, फिर ये इस साइड से ऐसे करके हम जेल को, ये देखिए, ऐसे करके हम जेल को निकाल देंगे। ये देखिए, ये जो घर का एलोवेरा लीफ थी, मैंने उसमें से ये जेल निकाल दिया है। इस तरह से ये जेल निकल जाएगा। इसका एक मेथड ये है, अगर आपका घर का एलोवेरा जेल है, घर की जो एलोवेरा कि जो पत्ती है, अगर आपके पास वो घर की है, तो आप एक पीस लेंगे और उसको बीच में से ऐसे कट कर देंगे, ये देखिए, इस तरह से कट करके ये इस तरह से 2 पीसेस में आ जाएगा। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनका घर में एलोवेरा जेल लगा हुआ है, वो इस तरह से काटेंगे और फिर लेमन लेंगे और लेमन की कुछ बूंदें 3 to 4 ड्रॉप्स लेमन की डालेंगे, और उसके बाद अपने फेस पर इस तरीके से अपने फेस पर, पूरे फेस पर इसको रब करेंगे, मतलब लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, और जब लगता है कि कम हो रहा है
तो इसको अपने फिंगर से स्क्रैच करा जेल को और फिर से लेमन डाला। इस प्रोसेस को बार बार करेंगे, ये इस तरह से डाला, इनको हटा देंगे और फिर अपने फेस पर पूरे अच्छे से इसको पूरे जेल को इसमें लेमन जूस डला हुआ है उसको ऐसे पूरा फेस कवर कर देंगे। फिर आपको लगेगा कम हो गया है, फिर से स्क्रैच करेंगे और फिर से हम ये इसकी एक दो बूंदें डालेंगे और अपने फेस पर इस तरह से सारे फेस पे लगाएंगे। एक बार ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद से एक बार और लगाएंगे। तो सुबह नहाने सुबह फेस वॉश करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। अगर आपके घर का एलोवेरा है सूख जाएगा, फिर से इसको लगाएंगे इस तरह से दो बार करेंगे और इसको 20 से 25 मिनट रहने देंगे और उसके बाद इसे वॉश करेंगे। देखिए इसको थोड़ी देर लगे रहने देंगे इस तरीके से। इससे हमारे चेहरे के जो पिगमेंटेशन हैं, झाइयाँ हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने पिंपल के स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसको रेगुलर आप लगाएंगे मॉर्निंग में। अब ये दूसरा मेथड है कि आपका अगर घर का एलोवेरा जेल है तो आप जेल निकाल के इस तरह से एक बाउल में डालेंगे और इसमें लेमन जूस मिक्स कर देंगे। फिर आप इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए जब आप इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो इस तरह से फॉमी फॉर्म में आ जाएगा। ये अपने आप अभी ये इसका जितने भी झाग नीचे बैठ जाएंगे, ये इस तरह से मिक्स हो गया। ये है आपका एलोवेरा जेल और लेमन जूस का मिक्सचर। आप इसका रेशियो ऐसे लेंगे, अगर 1 टेबल स्पून आप एलोवेरा जेल लेंगे उसमें 20 ड्रॉप्स आप लेमन की डालेंगे। अब आप इसको इस मिक्सचर को कॉटन बॉल की हेल्प से अपने फेस पे लगाएंगे। अब आप इस मिक्सचर को ये देखिए कॉटन बॉल पे ऐसे लेंगे और रात के समय अपने फेस पर इस तरह से लगा देंगे। पूरे फेस पर कॉटन से इस तरह से लगाकर पूरा ओवरनाइट रखेंगे। मार्केट के एलोवेरा जेल के लिए आपको इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल देंगे और 20 ड्रॉप्स लेमन की डाल देंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। बहुत फर्क होता है, तभी मैं आपसे कह रही हूँ घर पर प्लांट लगाएं एलोवेरा का। नहीं है तो ये भी अच्छा है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको 1 मिनट तक के लिए। 1 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। इस मिक्सचर को पूरा ओवरनाइट रखेंगे और मॉर्निंग में थोड़े से गुनगुने पानी से वॉश कर लेंगे और उसके बाद मॉइस्चराइज कर लें। और इसी मिक्सचर को आप अपने स्कैल्प में लगाएंगे, बालों में, पूरी जड़ों में लगाएंगे और उसके बाद अपने बालों में लगाएंगे। उसके लिए इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, आपको मैं रेशियो मैंने बता दिया है। अगर 1 टेबल स्पून आपका एलोवेरा जेल है तो 20 ड्रॉप्स लेमन की होंगी। तो इस तरह से इसका रेशियो बढ़ा देंगे और बालों में लगाएंगे। बालों के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारे स्कैल्प्स बहुत हेल्दी होंगे जिससे कि उसमें डैंड्रफ नहीं होगी और ये बालों को बहुत ब्राइट करेंगे, चमकदार हो जाएंगे आपके बाल, बहुत लंबे, चमकदार और हेल्दी बनेंगे। एलोवेरा बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए और लेमन क्योंकि विटामिन सी है, इससे हमारी बहुत अच्छी कंडीशनिंग होती है हेयर की, तो बहुत ही अच्छा ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये एलोवेरा एंड लेमन जूस का पैक मास्क बोलेंगे इसको, जो कि हमारे फेस के लिए और बालों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।